अमरदास गुर हृदय त्यामो हृदय त्यामो श्री गुरु रामदास गुण गावो गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन के नाशक श्री हर गोविंद शोभ सुमत प्रकाशक श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी गुरु हर कृष्ण गुरु तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला श्री गुरु गोविंद सिंह विशाला तरों तरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा बंद हो बार बार जगदीशा जिसमें अमृत ज्ञान है माणक भगत वैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों करे अनुराग सतगुर मम बेरी कटहो निज बेरी परचार एह बेरी होए भव सफल बिन बेरी कर पार एकंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहे गुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए तन तन सच्चे पातशाह गरीब नवाज अंतरजामी दीन दुनिया दे मालक चवर शतर तखत दे मालक समरथ सतगुरु प्रतख सतगुरु दीन दयाल कृपाल अंतरजामी पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर वाहेगुरु अकाल पुरख सब रूप सच्चे पातशाह जी महाराज दासां गरीबां दी इज्जत पत रखण वाले सतगुरु तन तन अंतरजामी सच्चे पातशाह जी महाराज लोक परलोक विच सहायता करन वाले समूह सुखां दे मालक सच्चे पातशाह तन तन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी बहुत ही प्रेम दे नाल साथ संगत जी गद के आखो जी तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी हजूरी विच आप समूह संगतां सद के बैठे हो प्रेम दे नाल गुरु के प्यारियां पासों कीर्तन भी सरवण कीता गोपाल तेरा आरता जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता ए शब्द आप जी सरवण कर रहे सी ओरे तो पहला गुरमुख प्यारे शब्द पढ़ रहे सन होली कीनी संत सेव रंग लागा अत लाल देव गज के आखो जी वाहेगुरु कल भी बेनती होली प्रथाए कीती सी होली क्यों चली जी हुण अज आपां कथा ते जंग दी चल रही है जिदे विच अब्दुल खान दा गुरु जी ने सिर वढ़ना दी पर जंग वाली कथा आपां कल नूं सरवण कर लांगे
अज ओ प्रसंग सुनो जदों होले महल्ले दा दिन आउंदा है। श्री आनंदपुर साहब सारे गुरुद्वारा साहबाना विच प्रसंग चलता है। गुरमुख प्यारे दस रहे सन किला श्री आनंदगढ़ साहब होर उत्थे जिन्ने किले हन केसगढ़ साहब आनंदपुर साहब की धरती ते तख्त साहब उत्ते होले महल्ले वाले दिन ये कथा की जाती है जी। गज के आखो वाहिगुरू वाहिगुरू। जिहड़ी कथा आप जी दे समक्ष गुरु जी की कृपा दे नाल आपां अज विचारांगे। आनंदपुर साहब अज दे दिन साध संगत जी भाव होले महल्ले वाले दिन गुरु कीआं संगतां गुरु के प्यारे ये कथा करदे ने जी। गुरु घर दे विच खुशियां दे समय वरत रहे ने। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज गुरता गद्दी ते सुभाईमान होए ने ते बहुत सारिया सिख संगतां दा भला हो रहा है। होला महला गुरु घर विच प्रचलित है और ये गल आम तौर ते कही जाती है। सारे विद्वान गुरमुख प्यारे दसदे ने औरन की होली मम होला। क्यों एक बोले ने जी साडे और साडे बोले बड़े खुले ने जी। गज के आखो वाहिगुरु बड़े खुले बोले ने। जिवें लूण नू सरब रस कहना जी हल्दी नू चंदन कह लेना जी। हाँ जी बड़े खुले खुले बोले ने जी ते साध संगत जी प्याजा नू बंब कह लेना जी। गज के आखो वाहिगुरु गरनेट कहना गरनेट जी। निहंग सिंघां दे बोले ने उह प्याजा नू गरनेट कहिंदे जी। एक पुराने निहंग सिंघ उन्हां नाल मिलाप होया। इन्हां ने आपो अपने नाम रखे हुंदे ने ते उन्हां दा नाम ते उन्हां ने शिवजी पाया जी। निहंग सिंघां ने उह दसण दा इह सी कहण लगे मैं जवान सां उदों 84 दे समय अपने पिंड जाणा सी ते इत्थे गंढे जिहड़े सीगे शहर विच बड़े वड्डे वड्डे मिलण दी ते साडा सुभाअ सीगा गंढिआं नूं गरनेट कहणा जी। गज के आखो वाहिगुरू प्याजां नूं गरनेट कहणा। कहन लगे भी मैं झोला मोढे ते टंगिया ते बस च बैठ गया ते बस वाले विच पुलिस भी उत्थे बैठी सीगी नाल नाल रहिंदी सी किथे किथे कौन कौन जा रहा। मैनू पुछिआ भी तू झोले च की पाया। माहौल उरों बड़ा खराब सी। कहन लगे मैं अपना बोला बोल बैठा भी अहीं झोले च गरनेट पाए ने। गद के आखो वाहिगुरू ओह बड़ा हैरान होया। कहन लगा अच्छा तुहाडी इन्नी जुरत तुसीं झोलियां विच गरनेट पाई फिरदे जे। कहन लगा इहदे च जुरत वाली कहिहड़ी गल है तुसीं भी वेख लो। कहन लगे जदों झोला खोलिया ते विचों गंढे निकले जी। ओह कहिंदा तुसीं गरनेट इहनूं कहिंदे हो। ओह कहिंदे खालसे दे ते गरनेट इहो ही आ भाई। गद के आखो वाहिगुरू फौजां ते गंढे नूं ही गरनेट कहिंदियां ही। कहन लगे हांजी साडे बोले खुले ने पहरावा खुला है और साध संगत जी प्रशादा जो छकना उह सादा पहरावा खुला सादा और नाल दी नाल बोले खुले जी। इह गुरु साहब ने सानू त्रुट के बख्शिश कीते ने। गज के आखो वाहिगुरू। हुण निहंग सिंघां दे दो तीन दे विच रह के वेखिया उहनां दे बोले वाकई समझाउणे औखे हैगे जी। जिवें काले चने बने होण ते उह कहिंदे भी बदामां दी सब्जी बनाई है। जिहड़ा बंदा पहली वारी वेखदा उह कहिंदा अद्ध होगी इह बदामां दी वी सब्जी बना लैंदे ने ते जदों वेखदा तदों काले छोले हुंदे ने जी। उह खुले बोले जी इहनां दे। और फिर होर बड़े ऐसे खंड नूं चुप कहिंदे जी चुप। गज के आखो वाहिगुरू जदों कोई इहनां सिंघां कोलों खंड पाठ साहिब करवावे ना जी ते फिर इह रसद बड़ी लिखाउंदे जी। रसद लिखाउंदे शरदाइयां जो तैयार करनियां हुंदियां ते उह हुण एक बंदा आ गया जी इहनां कोल खंड पाठ साहिब कराउण वास्ते शरदाई तैयार करनी ही ते उहने कहिंदा भी समान लिखाओ ते मुखी निहंग सिंह कहन लगा भी लिख एक बोरी चुप दी। ओह हुण बड़ा हैरान होवे भी चुप कित्थों लियावां। कहन लगा जा जाके तू लै के आ ना उत्थे जाके करियाने वाले नूं कह भी चुप दे दो। गज के आखो वाहिगुरू जदों आखिया भी करियाने वाले चुप दो भाई ओह भी हैरान होया भी इह कहिड़ी शै है चुप। कहन लगा हुण सानूं ते निहंगा सिंघां एवें आखिया। कहन लगे चुप दा ते सानूं भी नहीं पता भी चुप की हुंदी है ते फिर की गया जी। साध संगत जी वापस जाके पुछया
ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਚੁੱਪ ਖੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਖੰਡ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਵ ਖੁੱਲੇ ਬੋਲੇ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਖੁੱਲੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਜੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਟੀ ਨੂੰ ਚਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਟੀ ਨੂੰ ਵਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਚਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋ। ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਚਾਹ ਪੀਓਗੇ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਸਮੁੰਦਰ ਛਕੋਗੇ? ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਬੰਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਛਕੋਗੇ ਜਾਂ ਚਬਾਰੇ 'ਚ ਛਕੋਗੇ? ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੀ, ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਛਕ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਟੀ ਆਈ ਅੱਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨੇ ਚਬਾਰੇ 'ਚ ਆਖਿਆ ਜੀ ਵੀ ਚਬਾਰੇ 'ਚ ਛਕ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਐਡਾ ਤਗੜਾ ਗਲਾਸ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ, ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਚਬਾਰੇ 'ਚ ਨੀ ਜਾਣਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਚਬਾਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਸ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਚਬਾਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਬਾਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੋਲੇ ਖੁੱਲੇ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਸਾਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਪੱਗ ਪੱਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿਰ ਗੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਗੋਲ ਹੀ ਪੱਗ ਬੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਵੇਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਲੰਮਾ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੁਗਲ ਚੁਗਲ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਨਾਂ ਚੁਗਲ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਬੋਲੇ, ਸਾਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਤੇ ਸਾਦਾ ਭੋਜਨ ਤੇ ਹਿਰਦਾ ਕਪਟ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਗੇ ਫੌਜਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਹੋਲਾ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋਲਾ, ਹੋਲਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੋਲਾ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੁਰਤੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਚਕਾਰੀ ਫੜੀ ਹੈ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਸ ਪਿਚਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸਰ ਵਾਲਾ ਜਲ ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਸ ਜਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਿਚਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਆਓ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 13 ਲੰਗਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ 13 ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ 13 ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਹੋਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਗਰ ਛੱਕ ਕੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਜੀ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਆਖੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵਰਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵਰਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੁਰਤੀਆਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੈ ਜਾਈਏ ਸਾਰੇ। ਸੋਹਣਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਸਮੇਂ 20 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਜਾਣ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ।
बड़े प्रेम दे नाल सारियां संगतां गज के आखो धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। सब सिख संगतां गज के आखो जी सतनाम श्री, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गई सीत रुत जगत ते आयो फागन मास, सीत रुत निकल गई जी, ठंड दा समा लंघ गया ते फगन दा महीना आ गया जी। गज के आखो वाहिगुरु। चलो हुण चेत चल रहा है, पर पुरातन अनुसार जो भाई संतोख सिंह जी ने लिखिया फगन दा महीना आया जी। हां जी, होत हरख नर नारी नरन करते हास बिलास। ते साथ संगत जी, मौसम दा बंदे दे मन उत्ते बहुत असर पैंदा जी। आम जिग्यासु दी गल करिए, मौसम दा वातावरण दा बंदे दे मन उत्ते असर पैंदा है जी। महाराज ने बाणी च लिखिया, जे ही रुत काया सुख तेहा तेहो जे ही देही। जेहो जी रुत हुंदी है शरीर ओहो जे सुख मंगदा है। और सर्दी विच बहुत सारिआं नूं आलस पिआ रहिंदा है जी, गर्मी विच बहुत चुस्ती आई रहिंदी है, बसंत विच ना खेड़ा जिहा रहिंदा है सारिआं दे अंदर। गज के आखो वाहिगुरु। बनस्पति भी खिड़ रही हुंदी है, आसे पासे खेड़ा ही खेड़ा हुंदा जी, जिहदे करके बंदे दे मन उत्ते भी खेड़ा हुंदा। भादों विच वेखिआ बहुत सारे मन उदास रहिंदे जी, क्यों ओह है ही महीना बड़े घुटण जे वाला, ओहदा मन उत्ते भी बड़ा असर पैंदा जी। रुत्तां दा मौसम दा बंदे दे मन उत्ते असर हैगा जी। फगण दा महीना जी ते बसंत रुत्त शुरू होगी जी, बहुत ज्यादा स्त्रियां पुरश सारे खुश हन। हां जी, देख अजायब को रुत फागन साहिब आयस आप उचारी। ते गज के आखो वाहिगुरु। धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह सजे, ते गुरु के सिख कहन लगे महाराज होली आ गई है, बसंत आ गई है, इधर होली आ गई है। सच्चे पातशाह लोग एक दूजे उत्ते रंग पाउंदे ने। साध संगत जी, जे गुरु जी ने होला खेडिया भी ते बड़े निजम अनुसार खेडिया जी। साध संगत जी, कल वेख रहे सां जो मंडीर ने कीता जी, कन्ना नूं हथ लगदे ही वेख वेख के जी। कोई बजुर्ग नहीं वेखदे जी, कोई कुछ नहीं वेखदे, मोटरसाइकलां ते तेज तेज लंघ रहे जी, हारन बजा रहे जी, चीकां मार रहे जी। एक टोली ने ते टोली आला भी नाल रखिया जी, टोल आला भी नाल रखिया जी। हाँ जी, ते माफ करियो, धीआं भैणां दा बाजारां च चलना औखा होया सी। गज के आखो वाहिगुरु। इहो जी परंपरा गुरु घर दी परंपरा नहीं हैगी जी। हाँ जी, मैं गुरु घर दी की दुनिया विच इंसानी धर्म दा कोई भी धर्म हैगा ना जी, उत्थे एहो जी परंपरा नहीं हैगी जिहो जी लोग अज चला रहे जी। होली आ रही है, गुरु साहब सच्चे पातशाह ने आख्या आपां होला मनाउणा भाई। गज के आखो वाहिगुरु। आप फिर सच्चे पातशाह खजानची सिख नूं कोल बुलाउंदे जी। हां जी, कोशप को बुलवाए हदूर कहो सब कीजिए फागन की तैयारी। सच्चे पातशाह महाराज गरीब नवाज श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी खजानची नूं कहन लगे, भाई होली दी तैयारी करो, होली दी तैयारी करो। कहन लगे हां जी, और कहो सब सिखन संग जथा शक्ति कर सौजन सारी। गुरु के सिखा नूं भी गुरु जी ने हुक्म कीता भी गुलाल रंग प्योर होवे। कहन लगे हैं ਐਵੇਂ ਨੀ, ਮਾੜਾ ਰੰਗ ਨੀ ਲਿਆਉਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ ਛਿੜਕਾ ਕਰਨਾ, ਵਧੀਆ ਗੁਲਾਲ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰਗਾ, ਗੁਲਾਲ ਦੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਗੁਲਾਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਬੜੀ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਲਾਲ ਮੰਗਵਾਇਆ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਲ ਗੁਲਾਲ ਵਿਸਾਲ ਅੰਬਰੀਨ ਰੰਗ ਨਿਕਾਰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਲਾਲ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ,
रंग पतंग सुरंग कियो बहो किंसक फूलन पीत निकारा। ते साध संग जी बड़े प्रकार दे रंग जिदे वेच संतरी रंग कई प्रकार दे रंग गुरु जी ने संगत वास्ते तैयार कराए भी गुरु नानक साहब जी की संगत आ रही है। फिर बेनती करा गुरमुखो सतगुरु जी का शरीर बख्शिशां दे नाल भरिया होया। अगे भी बेनती की सी दमदमा साहब की धरती जी बड़ा वड्डा पीर कहण कहाउण वाला श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी नूं मिलण आया जी। आ जिहड़ा मिट्टी का पुतला ना विच जी इह बड़ा वड्डा बंधन हैगा जी। उन्हें वेख्या भी मेरा पुतला पुराना मैं 90 साल दा गुरु जी की उम्र अजे 40 कु साल दी है ते मैं गुरु जी नूं नमस्कार नहीं करनी गुरु गोबिंद सिंह जी नूं है ये मिलांगा। सुनिया बड़े वड्डे साहब ने कामल ने जावांगा दर्शन भी करांगा पर मैं क्यों मत्था टेकां उम्र मेरी वड्डी है। गज के आखो वाहिगुरु। आया जी ओ गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे कोल महाराज तखत ते सजे सीगे तखत ते जी ते आके ना जी गुरु साहब नूं मत्था नहीं टेकिया ते हाथ मिलाउणा चाहुंदा गुरु गोबिंद सिंह जी नाल भी मैं गुरु साहब नाल हाथ मिलावां। ये नहीं सी पता भी ये बड़े वड्डे ने जिस खुदा दी तू बंदगी करदा उसे खुदा दा रूप ने ते गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं हाथ मिलाउण लगा जी। सात संगत जी हाथ जुड़े ही गुरु अगे चंगे लगते आप जी भी जुड़ो सारे जी आखो धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। जेड़ा श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे अगे हाथ जोड़े ना जी ओनू बहुत कुछ मिलता जी बहुत कुछ मिलता माफ करियो ओनू भुल सके ओनू जजां दे अगे हाथ जोड़न की लोड़ नहीं चे रही जेड़ा गुरु जी अगे हाथ जोड़ ले जी जेड़ा गुरु साहब अगे हाथ जोड़ ले जोड़ने ते हाथ सी गुरु साहब अगे जी उन्हें पर ए हाथ किया गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं भी हाथ मिलावा गुरु गोबिंद सिंह जी दे नाल। गुरु साहब दे हाथ विच तीर सीगा जी उदों करके आखो वाहिगुरु। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे हाथ विच तीर सी महाराज ने ओ तीर ओहदे हाथ हल कर दिता जी ते जिवें हाथ ना हाथ मिलाईदा ना जी उवें उहने तीर ना हाथ मिला लिया जी। बस जदों तीर ओहदे हाथ नूं टच होया अखां बंद हो गईयां पता नहीं किहड़े रस विच चले गया बहुत समा तां तीर नहीं खड़े फिर बह गया। सच्चे पातशाह महाराज गुरु गोबिंद सिंह साहब जी पुछदे सुनाओ पीर जी क्या हाल है की हाल तुहाडा। पीर जी कहण लगे सतगुरु माफ कर दिओ भुलोगी। महाराज कहिंदे होया की कहण लगा सारी उम्र तप कीता सारी उम्र जेड़ा तप करके आनंद नहीं आया तुहाडा तीर छोण नाल आ गया सच्चे पातशाह। हुण की तरंगा उठ गईयां जी की तरंगा उठ गईयां ये तो ओ ही जानदे। ते राम कुंवर जी बारे भी बेनती की भी गुरु साहब के मत्थे ते हथ लाया ही उन्होंने जी बस एहो जिहियां मत्थे विचों किरणा निकलियां राम कुंवर जी का सारा शरीर नाम दे नाल भर गया जी। कल्ला उन्हां दा ही नहीं राम कुंवर जी दे चाचा जी ने भाई हरदित्ता जी उन्हां गोद च फड़िया सी राम कुंवर जी नूं चाचा जी भी लपेट विच आ गए जी। चाचा जी का शरीर भी नाम दे नाल भर गया। गुरु साहब ने जे रंग मंगाए ने पता नहीं किन्नियां कते बख्शिशां करनियां जी। गज के आखो वाहिगुरु। ये तख्तां ते अज कथा होई जी इस प्रसंग की जे गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने रंग वरताने ने संगत ते भाई नंद लाल जी लिखते ने कहते मैं कुरबान जावा उन्हां सिखां ते जिन्हां नूं गुरु ने अपने हथीं रंग लाया कहन लगे वह निकटवर्ती सिखां दे सच्चे पातशाह महाराज सिखां नूं कहन लगे। महाराज कहिंदे कराओ रंगां दी तैयारी अज होला खेडिए कहन लगे। हां जी ताल रबाब पखावज के बहो बादत बाजत हैं तुन भारी। ते महाराज सच्चे पातशाह ने आख्या भाई रबाब बजाओ ते कीर्तन करो। फिर तबला वजन लग पिया ते पखावज वजन लग पिया इस तरह दे वाजे वज रहे ने गुरु आनंदपुर साहब। गज के आखो वाहिगुरु। आनंदपुर साहब सारा सज गया
खुशियां दे गीत गाए जा रहे ने बहुते ते इस करके पहला अगे हो के बह गए गज के आखो वाहिगुरु। बहुत सारी संगत जिन्हां नूं पता लगा भी गुरु साहब ने अपने हत्थां नाल अज पिचकारियां राहीं जल पाउणा अज हत्थां नाल गुलाल वरसाउणा बहुत सारे ते अगे हो के बह गए भी अहीं वांझे ना रह जाईए सुरतियां लैके चलीए आनंदपुर साहब गज के आखो वाहिगुरु। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने हत्थां नाल गुलाल वरताउणा अहीं किते वांझे ना रह जाईए अगे हो के बह रहे जी अगे हो के। हां जी गावत रागन रागनी को जन आए खरे निज मूरत धारी। ऐसा संगत जी बड़े प्रेम नाल रागी राग विच कीर्तन करन दे ने गुरु साहब भी बैठे ने सच्चे पातशाह ते भाई संतोख सिंह जी लिखते ने केंद्र ने सारी संगत ऐ अगे बह गई जी गुलाल तैयार केसर दियां पचकारियां भराइया सन वह सारा कुछ तैयार ते मैं सारा कुछ ना जी अजकल जेड़ा बाबा जेल च बैठा उन्होंने भी वेख रहा हाँ जी अज तो 7-8 साल पहला वह भी इस तरह की होली मनाते ते लोकी तरसन दे सन जी भी ये पचकारी यदि पानी साढ़े ते पै जाए तो आप निहाल हो जाएंगे वो अजकल बाबा जेल च बैठा जी जेड़ा ओदी गल है जी ते लोकी तरसन दे हीगे जी गुरमुखो ओ ते दुनियावी बंदा जदो कलगियां वाले सतगुरु जी ने चोज खेडिया होएगा उरो किन्नी कु संगत होएगी जी। हां जी श्री गुरु गोबिंद सिंह कर होरी को बिलंद साज हाथ पिचकारी। ऐसा संगत जी कीर्तन दा भोग पिया गज के आख वाहिगुरु सवेर दे 10 कु वज के कीर्तन दा भोग पै गया गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज सच्चे पातशाह भाई दया सिंह जी नूं कहन लगे पिचकारियां तैयार ने सारियां फिर बेनती च गुरु साहब जी की मौज है किहड़े तरीके नाल संगत ते मेहर करदी दी गुरु साहब सदा ही मेहर करदे ने भाई दया सिंह जी कहिंदे जी महाराज केसर गुलाल भरिया होया गुरु गोबिंद सिंह साहब हुण दर्शन करो कलगियां वालियां दे आखो धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी। उच्ची थां ते खलोते सच्चे पातशाह थले संगतां उड़ीकन दईआं भी किहड़ा वेला होवे साडे ते जल पै जाए जी साडे ते मेहरां हो जाण। महाराज सच्चे पातशाह ने अपने हथ विच पिचकारी फड़ी है। हां जी भले भले सिख आए धारत भगत पाए प्रथम गुरु के पाए बंधना ते मुखी मुखी सिख सच्चे पातशाह जी नूं नमस्कार करके गुरु जी दे नेड़े खलोते ने जी। बहुत सारी संगत एक टिक्की ला के वेख रही है उतों गुरु जी ने हुण मेहरां दा जल वरसाउणा। हां जी उड्डियो एक बार ही गुलाल लाल घटा मानो रंगन की बूंद बरखावत इम चीने ते गज के आखो वाहिगुरु। अज भी आनंदपुर साहब रंग वरसाए गए जी वेखो जे उत्थे चल रहा है ते पुरातन मर्यादा है इस च कोई शक नहीं अज भी आनंदपुर साहब गुलाल वरसाए गए कहण वाले तो कहिंदे सन आनंदपुर उजाड़ देना पर आनंदपुर साहब अज भी वस रहा जो आनंदपुर साहब का पुरातन काम सी वह अज भी हो रहा जी नगारे अज भी वज रहे ने कहिंदे ने सब तो पहला गुलाल हाथ विच लिया ते गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने आसमान वल कीता जी। हां जी रंगदार अंबर कै रंगदार अंबर कै मूठ भर मारे रंग डारत नहीं वेनियो ते गज के आखो वाहिगुरु। ऐ सच्चे पातशाह ने फिर दूजा हथ भरिया ते महाराज ने पूरे जोर नाल जी संगतां उत्ते रंग वरसाया गुरु नानक साहब जी दियां संगतां निहाल हो गईयां जी गज के आखो वाहिगुरु। गुरु साहब दा चोज है जी सच्चे पातशाह ने संगतां ते रंग वरसाया पचकारी घमाई महाराज सच्चे पातशाह ने दूर दूर तक संगतां ते जल पिया जी दूर दूर तक। हां जी भाई नंद लाल सब बुद्ध मैं बिसाल जोए सगरे कृपाल के बिलास हेर हेर ते भाई संतोख सिंह जी लिखते एक पैर गुरु गोबिंद सिंह साहब संगतां उत्ते रंग वरसाउंदे रहे जी गज के आखो वाहिगुरु। महाराज रंग वरसाउंदे रहे पिचकारियां भर भर मार दे गए सिखां ने चिट्टे जिहड़े वस्त्र पाए सी ओह लाल हो गए जी ते साध संगत जी सिखां दे दाड़े लाल हो गए बड़ा आनंद बनिया जी होले महला खेड रहे गुरु साहब आप गज के आखो वाहिगुरु। उत्थे गुरु साहब ने शस्त्रां ते भी रंग लाया जी शस्त्रां दा भी बड़ा सत्कार जी सतगुरु जी ने आप
ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਖੇਡਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਰਸੀ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਬਣਾਏ ਕੇ ਰੁਚਰ ਸ਼ਬ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸਿੱਖਣ ਸੁਣਾਈ ਫੇਰ ਫੇਰ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਉਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਣ ਦੇ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜੀ ਕਾਲਣਾ ਕਾਲ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਮਹੱਲਾ ਕੱਢਿਆ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਸਮਝਿਓ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰੇ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਭਾਏ ਮਨ ਹੁੰਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਚ ਉਰੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਹਟੇ ਸਨ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਮਹੋਲਾ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਗਏ, ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਸੀ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੰਗ ਲਿਆਓ ਗੁਲਾਲ। ਗੁਲਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਗੁਲਾਲ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਥੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗੁਲੇ ਹੋਲੀ ਬਬਾਗੇ ਦਹਿਰ ਈ ਬੇਗੁਫਤ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡਦੇ ਪਰ ਹੋਲੀ ਹੋਲਾ ਖੇਡਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁੱਤੇ ਮੇਰਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਰੰਗ ਚ ਰੰਗਤਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਚ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਕੱਲਾ ਬਾਹਰੀ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਰੰਗ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਪਿਚਕਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਚਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਪਿਚਕਾਰੀ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਹਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਮਿਹਰਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਿਚਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ? ਇੱਕ ਆਇਰਲੈਂਡ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੰਖ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਉੱਡ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਕੁਰਬਾਨ ਖਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਰਨ ਤੂੜੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਗੁਲਾਲ ਵਰਸਾਇਆ, ਆਪ ਮਿਹਰਾਂ ਦਾ ਜਲ ਵਰਸਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਿਲੇ ਗੋਇਆ ਹਮੀ ਜਾਂ ਆਰਜੂ ਕਰਦ, ਮੇਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਖਾਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਐ ਹਵਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਨਾ ਚੱਲੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲੀ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੀ? ਹਵਾ ਕਹਿੰਦੀ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੀ ਖਾਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮੇਰੀ ਖਾਕ ਨਾ ਚੁੱਕ ਲਜਾਈ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾ, ਮੇਰੀ ਖਾਕ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸੁੱਟ ਦਈ, ਜੇ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੀ ਖਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਲਾਮਾ ਦੇਣਗੇ। ਵੇਖੋ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਕਿਤੇ ਝੁੱਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ 'ਚ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ, ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਨਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਪੇ ਭਾਵ ਲਾ ਲਓ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਾਤ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮਿਲੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਧੂੜ ਮਿਲੇ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਨ ਕਿੰਸੇ ਕੋ ਬਨ ਬਿਗ ਸੰਤ, ਇੱਕ ਸਮ ਸੁਮ ਸਨ ਪਾਏ ਬਸੰਤ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਇਤਨੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਧੀਆ ਦੀਵਾਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰੰਗੀ ਪਈ ਸੀ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਾੜਾ ਵੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਪਿਆ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਇਤਨੇ ਮੈਂ ਸੁਥਰਾ ਚਲ ਆਇਓ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਕੋਈ ਲਾਲ ਰੰਗ, ਕੋਈ ਪੀਲਾ ਰੰਗ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੀ ਪਈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੇਹਰਾਂ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸੁਥਰਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਨਹਿ ਸਿੱਖ ਕਾਰਸ ਦੇਹ ਲਗਾਇਓ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਸੁਥਰਾ ਜੀ ਦੀ ਰਮਜ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੇ ਕਾਲਕ ਮਲੀ ਹੋਈ ਦੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨ ਦੀ ਪਰਕਰਮਾ ਕਰੀ ਜਾਣ ਸੰਗਤ ਦੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਕੀਤਾ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਕੀਤਾ ਮੁੱਖ ਦਾ, ਪੈਰ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਰ ਲਏ ਜੀ। ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਕਰਮਾ, ਕਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪਰਕਰਮਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋਤ ਦੇਗ ਤਹਿ ਕਾਰਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਮਕਾਰੀ ਕਾਇਆ ਕਈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਪੱਕਣ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਤਵਾ ਵੇਖਿਆ, ਲੋਹ ਵੇਖੀ, ਇੱਕਦਮ ਕਾਲਖ ਜਿਹਨਾਂ ਲੱਬੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਕਾਲਖ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮੜ ਲਈ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਕਾਲਖ ਹੀ ਕਾਲਖ ਕਰ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਤ ਸੁਰਮਾ ਮੁਖ ਸਿਰ ਪਰ ਲਾਇਓ। ਹਾਂਜੀ। ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਭੇਖ ਦਿਖਾਇਓ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਕਾਲਖ ਲਾਈ ਹੋਈ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਾਲਖ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲਖ, ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਕਾਲਖ, ਤੇ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ, ਕਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਸੰਗਤ ਹੇਰ, ਫਿਰਿਓ ਚੌਗਿਰਦੇ ਇੱਕ ਦੋਏ ਫੇਰ। ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗੀ ਧਰ ਦੇਖ ਹੱਸੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਵਿਦਤ ਸਦਨ ਤੇ ਬਿਸਦਲ ਸੇ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਸੁਥਰਾ ਕੌਤਕ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਿਕਸਤ ਆਪਣੇ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਇਓ, ਬੁਝਿਓ ਵੇਖ ਕਹਾਂ ਕਰ ਆਇਓ। ਤੇ ਸੁਥਰਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਥਰਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
महाराज कहते सुथरिया साडे कोल आ कहन लगे सुथरा जी आ गए जी सामने आके खलो गए। हां जी हाथ जोर अरदास बखानी सतगुर संगत शुभत महानी। महाराज सच्चे पातशाह पूछे सुथरिया आ केहो जा बेस बनाया गज के आखो वाहिगुरु सारा शरीर ही काला कर लिया सारा शरीर उत्ते ही रंग ला लिया ओ काला रंग लाया ते हाथ जोड़ के ना जी भाई सुथरा जी कहन लगे सतगुरु जी अज तुसीं बहुत खूबसूरत लग रहे हो अज गुरु की साध संगत बहुत खूबसूरत लग रही है तरह तरह के रंग अज इस घर विच बहुत खुशियां वरत रही ने। हां जी जेह सम जग मैं अपर ना कोई दिपत महादुत ते जुत हो। महाराज तुहाडी शोभा किते दुनिया च कोई कर सकता तुहाडी बराबरता गज के आखो वाहिगुरु तुहाडी तोता बराबरता नहीं कोई कर सकता अज आप जी होला खेड के हटे हो महाराज इन्ने खूबसूरत लगन वेखो सारा शरीर रंगा ना भरिया जी संगत साध संगत रंगा ना भरी है महाराज तुसीं खूबसूरत बहुत लग रहे हो तुहाडी पूरे जहान विच भी कोई बराबरी नहीं कर सकता ते सतगुरु जी ना ही तुहाडी संगत दी कोई बराबरी कर सकता। हां जी डीठ पहारियन की है बुरी जिस लग जाए मनोखर शुरी। देखो हर एक सिख दी आपो अपनी उडारी है इनू आपां कट नहीं सकदे। भाई सुथरा जी कहन लगे महाराज तुसीं बहुत सोहणे लग रहे साध संगत बहुत सोहणी लग रही है पहाड़ी जेड़े राजे इन्हां दी नजर बड़ी भैड़ी हैगी कहन लगे गज के आखो वाहिगुरू ये बड़िया नजरां लाउंदे चे उह तां सुण दो ये उन्हां दी अपनी भावना चे। गुरु साहब तो कहिंदे ने राम नाम जो जन जपै तिस चाख ना लगै उहनूं कोई नजर नहीं पर वह हर एक सिख दी आपो अपनी भावना। महाराज सच्चे पातशाह ये पहाड़ियां दी निगाह बड़ी माड़ी हैगी है। हां जी यांते मैं विचार कर आयो निक्षिख कारो बेख बनायो। ते महाराज जदो बच्चा बहुत सोहना लगदा ते मां अपनिया अखां चो कजल कढ के उहदे लागे ला दिंदी मत्थे ते हैं मेरे बच्चे नूं नजर ना लगे गज के आखो वाहिगुरु ते तुही इन्ने सोहने लग रहे हो इन्ने सोहने लग रहे हो साध संगत इन्नी सोहनी लग रही है मैं कह एक अद्धे टिके ना गल नहीं बननी मैं आप ही काला बन जा कहन लगे मैं आप ही कालख ना भरे लैना कहन लगे मैं ते बस एक कहन लगे बिंदी हाँ पूरी संगत विच सारी संगत गुरु नानक साहब दी वसदी रहे। वेखो अपने अंदरों असीसां देन दे चे क्यों सीधे साधे बंदे दे अंदर एहो जिहा प्रेम हुंदा जी सीधे साधे दे अंदर जिडे सोहने लगन दे चे गज के आखो धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी बराबरी कोई कर सकदा तुहाडी। हां जी तिनकी नजर लगे अब नाही हां जी कारो बदन होए तिन जाही गज के आखो वाहेगुरु हुण महाराज ओ जिन्नियां मर्जी नजरां पाड़ पाड़ वेखण उहनां दी नजर नहीं लगेगी क्यों मैं आप जू विच काला बन के बह गया सच्चे पातशाह ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਮ ਬਾਲਕ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਚਾਰ ਵਿਭੂਖਣ ਬਸਤਰ ਧਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਨਹਾਤਾ ਧੋਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਗਹਿਣੇ ਪਵਾਏ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਬਿੰਦ ਸ਼ਮਤਾ ਮਾਤ ਲਗਾਵੇ ਨਹੀਂ ਨਦਰ ਕਿਸਕੀ ਲੱਗ ਜਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਮਾਂ ਵੱਖਰਾ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ मैं टिक्का बन के बह गया फर्क यह है मैं कले कले सिख दे उत्ते नहीं लाया टिक्का मेरी इन्नी जरूरत थोड़ी है कि भी तुहाडे मुख नूं टिक्का ला दिया गज के आखो वाहिगुरु। हाँ जी महाराज सच्चे पातशाह मेरी थोड़ी इन्नी दृष्ट इन्नी ताकत हैगी है भी तुहाडे मुख नूं हथ ला दिया तुहानूं तो टिक्का ला नहीं सकता पर तुसीं सोहणे बड़े लग रहे हो गज के आखो वाहिगुरु बार बार शब्द वर्तन दे सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब तुसीं सुंदर बड़े लग रहे हो शायद इहो ही कारण है इन्ने ट्रकां दे ट्रक भर भर आनंदपुर साहब जांदा है जी शायद इहो ही कारण है गुरु जी दे दर्शन करन वास्ते साध संगत दे दर्शन करन वास्ते एक बार ते कल्ली तुहाडे ते परिक्रमा करदा मैं महाराज भी मेरे मालक नूं किसे दी नज़र ना लगे दूजी परिक्रमा साध संगत नूं करदा भी साध संगत नूं भी नज़र ना लगे कहन लगे अजे फिर बेनती करा जिथे वाहगुरु का नाम उते नजर ते लागे भी नहीं आती थी पर उन्हां दे अपने कौतक जी बाबा सुथरा जी दे एहो जे बड़े कौतक है जी
हाँ जी एक दिन कीर्तन हो रहा ते सारे सिख चूमन दे कीर्तन सुन सुन के ते बाबा सुथरा जी पिट करके बह गए। महाराज को सिख चले गए वेखो महाराज सुथरा पुट्ठा ही काम करता चलो करता। महाराज कहते होया कि कह लगे वेखो जी कोई कीर्तन हुंदा होए ते पिट करके बहिंदा। सतगुरां ने सद लिया गुरु हर राय साहब जी का समा सी। महाराज कहते सुथरिया सिख शिकायत ला रहे ने। महाराज कोई गल नहीं कहते नहीं फिर भी ये की कह रहे ने। महाराज सच्चे पातशाह जिन्या क चपेड़ा खादिया जांदियां सी खा लिया मूँह ते खा लिया हुण लक अगे कर लिया। महाराज सच्चे पातशाह ते जानी जान सन पर संगत नूं समझ आ जाए इस करके पुछिया भी कहना की चाहते हो। सच्चे पातशाह गुरु की बाणी चपेड़ा मार दी है किते किते ताड़ना वाले भी शब्द ने ते मैं सह नहीं सकता। महाराज ये ते कीर्तन सुनी जांदे ने ते जाके कई ने ठगी ठोरी भी करी जानी है ते सच्चे पातशाह मैं तो नहीं झेलना कुछ सह सकता ते किते ते मुख ते ते खा लिया हुण लक ते खा रहा गज के आखो वाहिगुरु। बड़े इहो जे काम किते जी। एक दिन गुरु हर राय साहब कहन लगे सुथरिया सारे कौतक सानू भी विखाई जाएगा जा हाँ किते जाके बादशाह नू भी कोई कौतक विखा दे। भाई सुथरा जी कहिंदे गल ही कोई नहीं सच्चे पातशाह। महाराज कहिंदे जा फिर। बाबा भाई सुथरा जी ने दो लक्की जुत्तियां वड्डियां वड्डियां बनवा लिया जी वड्डियां वड्डियां रात जाके एक मसीत विच सुट दित्ती जी ते मसीत विच ते रौला पै गया भी ये जोड़ा किदा। कर करा के वेख्या भी पिंड विच एडा वड्डा ते पैर ही नहीं किसे दा हैगा ते फिर की ही कुछ ने पैसे कमाने चाहे रौला पा दिता भी खुदा दी जुत्ती है ये ते जोड़ा खुदा दा। लोकी मत्था टेकन लग पे पर पैर एक जी ते जदों उस जुत्ती दी चंगी मनता होण लग पी ना जी लोकी मत्थे टेकन नक रगड़न उहदे अगे ये खुदा दा जोड़ा। जदों चंगी मनता होण लग पी ना जी फिर भाई सुथरा जी हफ्ते कु बाद बाहर निकले जी ते पता की किया जी जोड़े विच डांग पाई जी ते मोढे ते डांग रखी जी ते नाल ही जोड़ा उची उची कहण लोको मेरा इहदे नाल दा जोड़ा गवाच गया। वेख्या तुसीं किते गज के हको वाहिगुरु तुसीं वेख्या जोड़ा किते ते लोक हैरान होण जी उह कहण वी इह ते खुदा दा जोड़ा लई फिरदा गज के हको वाहिगुरु। ते ना जी कहन लगा जी नहीं मेरा जोड़ा के ते आप ही तो सुटिया सी के ने दसिया भी तेरा जोड़ा वो ते खुदा दा जोड़ा अहीं ते कहने तू खुदा दा लई फिरदा। कहन लगा झूठे ना होण ते पैसे कमाउण दा बहाना लभ दे मेरा जोड़ा रख लिया तुसीं मेरा जोड़ा दिओ। लागे जाके दूजा जोड़ा रखिया वेख लो कहन लगा जोड़ा बराबर ते जोड़ा मेरा। गल बादशाह को पहुंच गई जी नवाब को। नवाब जी कहन लगे भी सुथरिया सानू पता जोड़ा तेरा नहीं हैगा गल ते सच्ची है। कहन लगा हद हो गई मैं जोड़ा बनवाया मेरा जोड़ा कहन लगा तुसीं किवें कह सकते हो वह काजी बड़े शर्मिंदे होण जी जिहड़े हफ्ते की पूजा कराउंदे ही उहदी जी गद के आखो वाहिगुरु भी इह ते आम बंदे का जोड़ा निकलिया। ते बादशाह फिर कहन लगा भी हद हो गई एडा वड्डा जोड़ा तेरा किवें हो सकता। कहन लगा चलो जोड़ा मान लैने आ पर एक काम कर जे तो तेरे पैरां च आ जाए तो जोड़ा तेरा। भाई सुथरा जी कहिंदे ठीक है। उत्थे फिर अखां बंद करके गुरु हर राय साहब नूं याद कीता जी गद के आखो वाहिगुरु। हुण महाराज औखी कड़ी ना विखाओ तुसीं आपे ही कहा ही चोज विखा मेरा काम चोज विखाउणा मैं विखाता हुण अगों सांभो तुसीं। गुरु हर राय साहब का नाम लैके जोड़ा पाया जोड़ा बराबर हो गया जी उस वेले जोड़ा बराबर हो गया। बड़े कौतक जी बड़े कौतक जी। ते एक दिन ते नवाब नूं खुश करके कहन लगे भी नवाब जी मैं दूर अंदर जाना रहना ते कृपा करो एक चीज लिख दिओ। कहन लगा की लिख दिया जेड़ा भी वैद होवे ना वह मैनू एक रुपया दे। कहन लगे लिख दिने बाहर आउंदिया सार ही सिपाही खलोता हैगा जी सोटा लैके बरछा लैके। कहन लगा भरावा मेरे तो ढिड पीड़ बहुत हो रही है वह कहिंदा जवैन खा गद के आखो वाहिगुरु। कहन लगा तू ते जव वैद होया। कहन लगा नहीं कहन लगा काम तो तू वैदा वाला कीता गल्लां ऐसियां कीतियां भी वह मन गया भी मैं वैद हाँ जी। कहन लगा हुण कढ एक रुपया जी।
सारे पिंड चो कट्ठे किते एक रुपए दी फड़े ते एंड ते जाके ना जी फिर भाई सुथरे ने गल कीती भी एवें नजायज सलाह नहीं देनी चाहीदी। कारण की है, कईयां दे नुकसे ते सही हुंदे कहन लगे, कई बीमार नूं पुठी सलाह दे के और बीमार कर देंदे जी। अज के आखो वाहिगुरु, इहो जे बड़े चोज ने बाबा सुथरा जी दे। हुण अज बाबा सुथरा जी कह रहे गुरु गोबिंद सिंह साहब जी तुसीं सोहणे ही बड़े लग रहे हो। अज के आखो वाहिगुरु, संगत सोहणी बड़ी लग रही है ता काले कपड़े पा के बैठा। हां जी, सुनकर हसे कृपा ते जोवा, सतगुरु बड़ा खुश होके हसे जी। गज के आखो वाहिगुरु। हां जी, मम संगत को रखियक होवा। महाराज कहिंदे वाह सुथरिया, तू ते साडा भी ख्याल रखदा ते संगत दा भी ख्याल रखदा। हां जी, अधिक खुशी सुथरे पर होई। हां जी, एह मम संगत पर उरधरी। ते महाराज सच्चे पातशाह ने सुथरा शाह जी उत्ते बड़ी खुशी कीती जी, बड़ी खुशी कीती। सच्चे पातशाह कहन लगे, सुथरिया तेरे चोज ने आ रही ने। कहन लगे, हैं तू वखरा ही काम करिया कर, खुशी दा समा सी, तू आके खुशी आली गल कर दिती है। हां जी, सब पर बली रहे बल धर है, हिंदू तुर्क ना समता कर है। ते गुरु साहब ने फिर संगत नु आखिया, हुण तत गल सुनो, सावधान हो तिजके आखो वाहिगुरु। महाराज कहिंदे सुथरिया आपा खालसा साजिया। कहन लगे बड़ा बली होएगा खालसा, ना मुसलमान ते ना हिंदू एदी बराबरी नहीं कर सकेगा। हां जी, नह इसके टिक सके अगारी। इथे ते आकी रहे ना कोई, एदे अगे कोई आकी नहीं बन सकता, अड़ेगा नहीं कोई। हां जी, सब पर ठहरावे निजकारी। ते सारिया उत्ते राज करेगा। गज के आखो वाहिगुरु। ते खालसा राज कर रहा है, देशां विदेशां विच चंगीआं पोस्टां गुरु के सिखां कोल आ गईआं, मिनिस्टर बने ने जी गुरु के सिख, बाहर जा जाके खालसा राज कर रहा है। हां जी, जो चाचो सुथरे को दयो। महाराज कहिंदे सुथरिया मंग की मंग। कहन लगे कुछ मंग, तू हासे वाली गल कीती, संगत नु होर खुश करता, नाले तू संगत दा बड़ा भला मंगदा। कहन लगे, हैं बाबा सुथरा जी ने जो मंगया उन्हां नु दिता गुरु जी ने जी। हां जी, सिर पाओ पुन होवत भलो। ते गज के आखो वाहिगुरु। उस तरह ही काले कपड़े सतगुरु ने सरोपा भी दिता जी। गज के आखो वाहिगुरु। महाराज कहिंदे तेरी सोच भली है भाई। हां जी, अद्भुत होरी संगत करी। इस प्रकार गुरु साहब ने होला आनंदपुर साहब विच खेडिया। हां जी, संगत कर दर्शन मुंद भरी। ते साध संगत जी संगत दर्शन कर करके आनंद लै रही है। सो ये प्रसंग की अज तख्त साहब ते भी कथा हुई, बहुत सारिया थावां ते हुई, ता बेनती की भी चलो आप जी भी सरवण कर लो ते असीस बख्शिश करो। गुरु साहब अगे अरदास करो, धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज साढ़े उत्ते कृपा दा मीह वरसाओ। नंद लाल जी एक गल लिख दे, वह कहिंदे धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी, जेड़ा एक बार तुहाडी गली विच चले जाओ तुहाडी गली दा दीवाना हो जाता। कहन लगे वह दूजे बन्ने जाण जोगा नहीं रहिंदा। गज के आखो वाहिगुरु। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਦੀਵਾਨਾ ਕਰ ਲਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਆ ਜਾਣ, ਭਾਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਬੰਨੇ ਆਇਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭੌਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਦੀਵਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਦਇਆ ਕਰਨ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੋ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।